स्वागत है आपका रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हुआ जब रॉ गई ऑफ एयर, मतलब जब शिविर ने ट्रिपल पावर बम डाला ब्रॉन स्ट्रोमन को, उसके बाद क्या हुआ, और बात करेंगे एक इंसिडेंट के बारे में जो हुआ है इस रॉ में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक इंसिडेंट के बारे में। तो इस रॉ के एपिसोड में लास्ट मैच था रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर का, और वहाँ पर ऑडियंस में बैठा था एक आदमी, और वो आदमी बार बार खड़ा हो रहा था और चिल्ला रहा था बिना किसी वजह से। तो जो उनके आसपास बैठे थे, मतलब उन्हें रॉ देखने में परेशानी खड़ी कर रहा था। तो इन्हीं लोगों ने कंप्लेंट की इस आदमी की सिक्योरिटी गार्ड्स को, और जब सिक्योरिटी गार्ड्स इस आदमी को समझाने आए, तब उसने DX वाला एक्शन किया जो अक्सर DX करती थी और अभी XXX करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस वक्त इस आदमी को बहुत ही बड़ा पॉप मिला क्राउड की तरफ से, लेकिन जब 3-4 सिक्योरिटी गार्ड और आ गए तब भी वो नहीं हटा। तो इसके बाद उस सिक्योरिटी गार्ड ने उस आदमी को उठा लिया, मतलब वो लेकर चले गए उस मैच के दौरान ही, उस मैच के मतलब रोमन रेंस और फिन बैलर मैच के दौरान ही। और आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, और तो और ये चीज़ रोमन रेंस ने भी नोटिस की है जब वो पीछे मुड़कर देख रहे थे ये सीन। और इस आदमी को बहुत ही बड़ा फाइन लगा है, ये मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, लेकिन मैंने भी सुना है कि इस आदमी को बहुत ही बड़ा फाइन लगा है, और कंप्लेंट में लिखा है कि लोगों को तंग करना और सिक्योरिटी गार्ड्स का मजाक उड़ाना। तो बात करते हैं कि क्या हुआ जब रॉ गई ऑफ एयर। इस रॉ के एंड में देखा कि शील्ड रीयूनाइट हो चुकी, और शील्ड का ट्रेडमार्क फिनिशर भी हमें देखने को मिल गया है, मतलब ट्रिपल पावर बम डालते हैं वो ब्रॉन स्ट्रोमन को टेबल के ऊपर। तो इसके बाद हमारे टीवी पर ये रॉ खत्म हो जाती है, लेकिन वहाँ बैठी ऑडियंस के लिए इसके बाद 3-4 मिनट्स का यही सीन चलता है। वैसे तो इस रॉ के ऑफ एयर में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो बता देता हूँ। रोमन अपने दोनों भाइयों को शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू बॉयज़ करके, थैंक यू बॉयज़ मतलब उन्होंने हेल्प की रोमन रिंग्स की। तो अगर नहीं आते तो रोमन यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाते, क्योंकि उस टाइम ब्रॉन स्ट्रोमन कैश नहीं करने वाले थे अपना मनी द बैंक ब्रीफकेस। और इसके बाद हमें द शील्ड की क्लासिक वॉक भी देखने को मिल गई, क्लासिक वॉक मतलब स्लो मोशन में और तीनों एक साथ। इस वॉक को देख के बहुत ही टाइम हो गया था, वो भी हमें देखने को मिल गई। और इन द एंड हमें द शील्ड अपना हैंड का एक्शन करके दिखाती है लोगों को, और इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म, हमारे लिए भी, वहाँ बैठी ऑडियंस के लिए भी। तो मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बताइए कि आप कितना खुश हैं कि शील्ड की वापसी हो चुकी है। आप मुझे परसेंटेज के तौर पर बता सकते हैं, मतलब कितना खुश हैं, 10%, 20%, 40%। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।